सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज़ को, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहें फ्यूचर अपडेट्स। हेलो यूट्यूब, वेलकम टू योर चैनल, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज़ में। और आज हम आपके सामने लेके आए कमाल का प्रोडक्ट जो कि है एक लिप बाम। जी हाँ, लिप बाम है। विंटर्स के मौसम में लिप बाम हर किसी को ज़रूरत है। हम लोगों के लिप्स को ड्राई हो जाते हैं विंटर्स जैसे जैसे आ रही हैं, विंटर्स में लिप बाम की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। गाइस, आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, नो केमिकल वाला लिप बाम है। चलिए करते हैं इसका कंप्लीट रिव्यू, कैसे प्रोडक्ट है, क्या इसकी खासियत है, किस प्राइस रेंज में आता है और किन किन को इसे यूज़ करना चाहिए। बने रहे मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक। और गाइस, जिस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है रस्टिक आर्ट कंपनी का। रस्टिक आर्ट एक कंपनी है गाइस जो कि नेचुरल। पहले मैं आपको रस्टिक आर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने एक फेस वॉश पे वीडियो बनाई थी, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं, वो भी रस्टिक आर्ट कंपनी का था। रस्टिक आर्ट एक कंपनी है जो कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करती है। कि जो प्रोडक्ट होते हैं गाइस वो नेचुरल होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स नेचुरल होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स ऐसा नहीं होते जिनसे हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, ये है रस्टिक आर्ट कंपनी का नेचुरल एंड ऑर्गेनिक जिंजर लेमन ऑर्गेनिक लिप मॉइस्चराइज़र। तो गाइज ये लिप मॉइस्चराइज़र है, लिप बाम है। और मैं बताना चाहूँगा ये जो प्रोडक्ट है ना ये है स्पेशली फॉर मैन के लिए है। इस कंपनी के और भी आते हैं, फीमेल्स के लिए आते हैं, बच्चों के लिए लिप बाम आते हैं, इसके लिए आते हैं। ये वाला प्रोडक्ट मैंस के लिए है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैंने फीमेल्स के जितने भी लिप बाम है सब मेंशन कर रखे हैं और ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ मेंस वाले का। चलिए एक बार इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसकी बॉटल है छोटी सी, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, रस्टिक आर्ट फॉर मैन। ये देखिए आप चेक कर पा रहे हैं फॉर मैन, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ मैंने सारे इसके प्रोडक्ट मेंशन कर रखे हैं एज डिटेल। एज़ पर योर चॉइस आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो गाइस देखो ये इसकी पैकेजिंग है छोटी सी और ये इसकी बॉटल है 9 ग्राम की। अब मैं आपको एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करा देता हूँ, क्यों ये प्रोडक्ट दूसरों से अलग है और क्यों ये नेचुरल और ऑर्गेनिक पे इतना फोकस करते हैं। तो गाइस जैसे कि इसके पैकेजिंग का ओवरव्यू करते हैं। जिंजर लेमन लिप मॉइस्चराइज़र इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी विदाउट कैरिंग मच ग्लॉस, मेकिंग इट टू अ परफेक्ट ईयर फॉर मैन। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है 100%, क्रुएल्टी फ्री है यानी कि एनिमल टेस्टेड नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकल भी है। तो आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे लिप बाम देखे होंगे जिन्हें लोग लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिप ग्लॉसी हो जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, इसे यूज़ करें, लिप्स पे लगाएं, आयुर्वेदिक है, नेचुरल है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, उसी भी नहीं करता ये। अब मैं आपको एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करा देता हूँ जो कि इस ब्रांड का यूनिक पॉइंट है। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले आता है, जैसे कि यहाँ चेक कर पा रहे हैं, इसके अंदर आता है कोकोनट ऑयल, नेचुरल कोकोनट ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल आ गया, करंजा ऑयल आ गया, जोजोबा ऑयल आ गया, कोकोआ बटर आ गया, साल बटर आ गया, मायरिका फ्रूट वैक्स, ओके, सैंडिली यूफोरबिया कैरीफेरा वैक्स, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, सिट्रस मेडिका लेमन पील, जिंजर रूट ऑयल और मिक्स टोकोफेरोल्स यानी कि मिक्स विटामिन ई। आइज देखो, स्किन मॉइस्चराइज करने के लिए जितनी भी बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं अवेलेबल, तो वो ऑयल, करंजा ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन्होंने वो सब इसमें डाल दी हैं। कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल मुझे नहीं मिला, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, हार्मफुल हार्श केमिकल नहीं है, जो कि पेट्रोलियम बेस्ड सब्सटेंस नहीं है, जैसे कि आप बहुत से लिप बाम में आपने देखा होगा कि एक वैसलीन आती है, लोग वैसलीन को लाते हैं, वो पेट्रोलियम बेस्ड सब्सटेंस है, चीप सब्सटेंस है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आर स्किन हेल्थ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ पैकेजिंग। मैन्युफैक्चर्ड बाय एरिना इको क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बिकॉज वी प्राउड इट्स मेड इन इंडिया। बाहर मेन चीज़ ये है, ये 100% नेचुरल है और ये मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है। लाइक वी सपोर्ट मेड इन इंडिया, दिस प्रोडक्ट इज़ बेस्ट फॉर यू। छोटी सी बोतल है, आप चेक कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जिंजर लेमन का है ये। अब मैं आपको इसकी एक बार बोतल चेक कराता हूँ खोल के। तो गाइस देखो बहुत छोटा सा ये आता है, ये ऐसी क्रीम सी है, आपको इसे ऐसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मेरी फिंगर ऐसी है, ये मैं इतना लगाना है, आप इसे लिप पे लगा लें। कोई इसमें ग्लिसरीन या ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिप्स को ज़्यादा ग्लॉसी कर दे। 9 ग्राम है,
आराम से एक सीज़न चलेगा, हो सकता है बच भी जाए, डेली यूज़ करोगे तब भी बच जाएगा, एक विंटर आराम से निकाल देगा। करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो गाइज इसकी जो प्राइसिंग है वो बड़ी कमाल की है, 9 ग्राम का ये प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसिंग है 225 रुपीज़। महंगा लग रहा होगा बट देखो चीज़ क्वालिटी की है, नेचुरल चीज़ क्वालिटी की है, चीज़ नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, नो केमिकल है और कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या पेट्रोलियम बेस्ड सब्सटेंस नहीं है। थोड़ा सा एक बार इन्वेस्ट कर दो, 225 इन्वेस्ट करने के बाद पूरा मंथ, पूरा सीज़न, विंटर सीज़न आराम से चलेगा। मैन के लिए है जिंजर लेमन गाना ज़रूरी है, लिप्स की स्किन को भी नरिश करना ज़रूरी है, उनके लिए बेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, अलग अलग फ्लेवर्स हैं, वुमेंस के लिए अलग है, किड्स के लिए अलग है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। ऑथेंटिक प्रोडक्ट के लिंक मैंने दे दिए हैं। अच्छा करता हूँ, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पर जो भी रिव्यूज़ 100% जेन्युइन है, बिकॉज हम प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं। इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी प्रोडक्ट की जानकारी आप तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।